Good morning, students. In our previous video, we have started this chapter, the ship of the desert. Students, हमने अपने पिछले वीडियो में रीड किया था कि कैसे लायन और कैमल अपनी अपनी क्वालिटीज बताते हैं और ये कैसे अपने पेट में खाना स्टोर कर सकते हैं और ऊंट कहता है कि मैं एक बार में ही 200 बॉटल्स पानी की पी सकता हूँ और मुझे जब मैं रेगिस्तान में दौड़ता हूँ तो मुझे कांटे भी नहीं चुभते क्योंकि मेरे पैर गद्देदार हैं। तो स्टूडेंट्स, इनके बीच में बहुत ही अच्छी बातचीत होती है और ये अपनी अपनी खूबियाँ बताते हैं। तो आइए अब हम अपना नेक्स्ट पेज से रीड करना स्टार्ट करते हैं। लायन, रियली यू मस्ट हैव अ बिग स्टमक। जब ऊंट शेर को बताता है कि मैं 200 बोतलें एक साथ पानी की पी सकता हूं, तो लायन कहता है कि रियली, सचमुच, बिग स्टमक, बड़ा पेट, तो तुम्हारे पास जरूर ही बड़ा पेट होगा। कैमल, प्राउडली, कैमल कहता है प्राउडली, गर्व से, प्राउडली होता है गर्व से, यस, हाँ, आई हैव अ बिग स्टमक, हाँ, मेरे पास एक बड़ा पेट है, हैव होना, बिग स्टमक, बड़ा पेट, आई कैन स्टोर वाटर फॉर अ वीक, स्टोर होता है एकत्रित करके रखना। तो ऊंट बताता है कि मैं अपने पेट में पानी इकट्ठा करके एक सप्ताह के लिए रख सकता हूँ। आई कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक्स इवन, स्टोर फूड, खाना इकट्ठा करके रखना, 2 वीक्स, 2 सप्ताह, इवन, यहाँ तक की। तो ऊंट कहता है कि यहाँ तक कि मैं खाना भी 2 सप्ताह का अपने मैं स्टोर करके रख सकता हूँ। लायन, शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, लायन जो है वो उसकी बातों में बहुत ही रुचि दिखाता है, शोइंग, दिखाना, इंटरेस्ट, रुचि, डू यू स्टोर फूड इन योर स्टमक, स्टोर फूड, खाना इकट्ठा करके रखना, स्टमक, पेट, तो क्या तुम अपने पेट में खाना इकट्ठा करके रखते हो? तभी तो स्टूडेंट्स मैंने आपको ऊपर वाली लाइन में ये मेंशन नहीं किया कि ऊंट कहाँ पर खाना स्टोर करके रखता है। तो लाइन पूछता है कि क्या तुम अपने पेट में खाना स्टोर करके रखते हो? कैमल, नो आई डोंट, कैमल कहता है नहीं, मैं नहीं रखता, आई स्टोर इट इन माई हम्प, स्टोर इकट्ठा करके रखना, माई हम्प, मेरा कूबड़। आपने देखा होगा ऊंट को, तो ऊंट की पीठ पे एक कूबड़ जैसा होता है, तो कैमल कहता है कि मैं पेट में नहीं रखता लेकिन जो मेरा कूबड़ होता है मैं उसमें रखता हूँ। आई ईट अ लॉट ऑफ फूड एट वन टाइम, ईट खाना, लॉट ऑफ फूड, बहुत सारा खाना, तो ऊंट कहता है कि मैं बहुत सारा खाना एक ही समय में खा लेता हूँ। देन आई डोंट नीड टू ईट फॉर अ फोर्टनाइट, फोर्टनाइट होती हैं 20 रातें, नीड, ज़रूरत, तो इसीलिए मुझे 20 रातों तक खाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैं अपने कूबड़ में खाना इकट्ठा करके रख लेता हूँ एक ही बार में। लायन, दैट्स इंटरेस्टिंग बट What do you eat? Lion, that's interesting. Interesting होता है रुचिकर होना, जिसमें interest जागता है, बहुत ही interesting बात लगती है, तो या interesting है या रुचिकर है, but, परंतु, तुम क्या खाते हो? What, क्या, eat खाना, तुम क्या खाते हो? Camel, I eat leaves. Camel कहता है कि मैं पत्तियां खाता हूँ, leaves होती हैं पत्तियां, but There are no trees in a desert. परंतु, no trees, वृक्ष नहीं होना, desert, रेगिस्तान में, परंतु desert में कोई trees नहीं होते, रेगिस्तान में कोई trees नहीं होते। Lion, what do you eat there? Lion, तो तुम वहां क्या खाते हो? Eat, खाना, do, करना। Camel, there are thorny bushes in the desert. Camel कहता है कि वहाँ पर thorny bushes होती हैं। Bushes क्या होती हैं? झाड़ियाँ, thorny, कांटेदार। तो Camel कहता है कि रेगिस्तान में तो thorny bushes होती हैं, कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं। I eat the thorns. तो
थॉर्न्स होते हैं कांटे। तो कैमल कहता है कि मैं थॉर्न्स खाता हूँ, कंटीली झाड़ियाँ, कांटे उसमें लगे होते हैं वो खाता है कैमल। द थॉर्न्स डोंट प्रिक माई थिक टंग। डोंट प्रिक चुभना नहीं, थिक टंग मोटी जीभ। तो कैमल कहता है कि थॉर्न्स कांटे मेरी मोटी जीभ में नहीं चुभते। लाइन, हाउ फनी। लाइन कहता है कितना मजाकिया है, फनी होता है मजाकिया, मतलब लाइन इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेता, वो सोचता है कि कांटे कोई कैसे खा सकता है। कैमल, मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट प्लीज कम विद मी टू द डेजर्ट। कैमल कहता है लाइन को मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट, मिस्टर उसको मिस्टर किंग बुलाता है, जंगल के राजा, प्लीज कम विद मी, प्लीज कृपया कम विद मी, मेरे साथ आओ टू द डेजर्ट, रेगिस्तान में। तो कहता है कि मेरे साथ आओ रेगिस्तान में। लायन, नो आई हैड बेटर नॉट। तो लायन कहता है नहीं मैं यही ठीक हूं। आई कांट, बेटर होता है बेहतर। आई कांट वॉक ऑन बर्निंग सैंड। बर्निंग सैंड जलता हुआ रेत। तो लायन कहता है कि मैं यही ठीक हूँ, मैं जलते हुए रेत के ऊपर वॉक नहीं कर सकता, वॉक होता है चलना, मैं नहीं चल सकता। आई कांट स्टोर फूड एंड वाटर एंड आई कांट ईट थॉर्न्स, गुड बाय एंड गुड लक मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट। I can't store food, मैं खाना स्टोर करके नहीं रख सकता, water पानी। I can't eat thorns, मैं कांटे नहीं खा सकता। Goodbye, जाती बार की नमस्ते और good luck, Mr. Ship of the Desert। तो लाइन की जो लास्ट कॉन्वर्सेशन थी वो थी मैं यही ठीक हूँ और मैं जलती हुई रेत में नहीं चल सकता और ना ही मैं अपना खाना अपने पेट में स्टोर करके रख सकता हूँ इतना, और ना ही पानी और ना ही मैं कांटे खा सकता हूँ। गुड बाय एंड गुड लक मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट। यहाँ देखिए लायन ने मान ही लिया कि वो कैमल जो है वो शिप ऑफ द डेजर्ट है, क्योंकि वो इतनी मुश्किलों में रहता हुआ, उसको खाने को भी कुछ नहीं होता, फिर भी वो डेजर्ट में सर्वाइव करता है, इसीलिए उसको शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको कैसी लगी ये स्टोरी? अगर आपको भी ऊंट के बारे में कुछ पता है तो आप भी मुझे बताइए, शेयर कीजिए, या अपनी रफ कॉपी पे लिखिए। आपने कभी कैमल देखा है तो आपको अब पता लग ही गया होगा कि कैमल जो है वो अपने हम्प में खाना स्टोर करके रखता है और कितनी रातों तक वो भूखा रह सकता है। तो स्टूडेंट्स, आपने इस लेसन के स्टोरी के डिफिकल्ट वर्ड्स रीड करने हैं और रिवाइज करना है ये चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स।